पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दो दिनों के बाद बिहार सहित देश भर में लोकसभा 2019 के चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहले चरण का मतदान बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले हैं, जिसमें नवादा, इस वक्त हम लोग नवादा में खड़े हैं और यहां से क्या परिस्थितियां बन रही हैं इसको लेकर के हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, नवादा की अगर बातचीत की जाए तो नवादा के अलावा जमुई, औरंगाबाद, गया, इन 4 सीटों पर बिहार में पहले चरण का मतदान होगा। देश भर में कुल 102 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सी वोटर सर्वे ने जो रिपोर्ट जारी किए हैं, जो आंकड़े जारी किए हैं, इसको लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। NDA गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, इन सभी दलों के धड़कने बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सी वोटर्स के जो रिपोर्ट आए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, इसमें NDA गठबंधन के लिए चौंकाने वाला फैसला। तो वहीं चिराग पासवान, जिनको 5 सीटें NDA गठबंधन के तरफ से दी गई हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा, चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं, जिनमें खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर और वैशाली, इन सीटों पर चिराग पासवान काफ़ी फाइट कर रहे हैं। कई चर्चाएं हो रही थी जब सीट को लेकर के बातें उठ रही थी कि कैंडिडेट अगर चिराग पासवान बदलते हैं तो शायद उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो सी वोटर्स में जिनों जो रिपोर्ट आए हैं, जो बातें कही जा रही हैं चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के, इसमें बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान के अलावा NDA गठबंधन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका जरूर लग रहा है। देखिए, सी वोटर्स में 40 लोकसभा सीटों में 33 सीटों पर जीत की बात NDA गठबंधन की बिहार में की जा रही है। 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। वहीं जो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है, वो 5 सीटों पर चिराग पासवान की बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, NDA गठबंधन में भले ही जदयू 12 सीटों पर सी वोटर्स के आंकड़े दिए जा रहे हों, NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के 16 सीटों पर जीत के आंकड़े दिए जा रहे हैं, या फिर उससे कई सीटें हैं जिस पर लेकर के माथापच्ची जारी है। कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के नाराज़गी कैंडिडेट बदलने की वजह से वहाँ के जनता में हो रहा है। काराकाट का एक सीट जो उपेंद्र कुशवाहा को मिला था, वो भी बड़ी मुश्किल लग रहा है कि निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ से पवन सिंह निर्दलीय नामांकन भर सकते हैं। जीतन राम मांझी के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। गया पहले ही चरण में सीट चुनाव है, नरेंद्र मोदी ने आकर कढ़ाई, जो उनका चुनाव चिन्ह है, इसको लेकर के उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। लेकिन नाराजगी गया में भी जीतन राम मांझी को लेकर के बनी हुई है। तो ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगने वाला है NDA गठबंधन की तरफ से। लेकिन चिराग पासवान की जो 5 सीटें हैं, उन सीटों में उनको कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 5 सीटें चिराग पासवान जीतेंगे, यानी कि बड़ी लड़ाई बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने जीत ली है। सी वोटर्स ने दावा कर दिया है कि 5 सीटों पर चिराग को कोई हिला नहीं सकता है। वहीं जदयू को भारी नुकसान हो रहा है, 4 सीटें जदयू को गंवानी पड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी कमोबेश यही स्थिति है। वहीं काराकाट भी बड़ी मुश्किल से उपेंद्र कुशवाहा जीत पाएंगे, ये भी ऐसा लग रहा है। हालाँकि जहानाबाद से लेकर के गया की सीट पर भी काफ़ी माथापच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने बनाया था जो स्ट्रेटजी बिहार के लिए, इसमें किसके वजह से डाउन हो रहा है ये तो मंथन एक पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन करेगा। लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ी जीत अपनी हाथ में, अपनी मुट्ठी में कर ली है। मोदी के हनुमान जीत रहे हैं, ये सी वोटर्स ने दावा कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।